आज बामनिया की इस पावन धरती को नमन करता हूं और नमन करता हूं हमारे खत्रिज राणा पुंजा भील, टंटिया भील, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले इस गाते को बिठाने के लिए जिन साथियों ने संघर्ष किया उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इस कार्यक्रम का इनविटेशन 5 तारीख को भी मिला था, किसी कारणवश यहां मूर्ति नहीं लगने देने की वजह से यह पोस्टपोन हुआ, लेकिन आज आप लोगों ने एक इतिहास रच दिया। इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष के हम आदि हैं, इसीलिए आदिवासी हैं, और वो संघर्ष आप लोगों ने किया, आप सभी को दिल से सैल्यूट। आज मेरा आना शायद नहीं हो पाता क्योंकि कल नागपुर में 8 देशों के लोग एकत्रित थे, मैं वहां उपस्थित था, वहां पर मौजूद था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने और राणा पूजा बिल के आशीर्वाद मुझे यहां तक खींच के ले आया, मैं सीधे वहां से यहां आया हूं। हम लोग आदिवासी समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, हम लोग हमेशा संगठित होने की बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा मुद्दों के साथ समाज के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे अंदर छुपे हुए उस मालिक को जगाने की जरूरत है, जिसके कारण हम कहते तो हैं जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, लेकिन भारत देश के हम मालिक हैं तो मालिकत को पहले जगाने की जरूरत है। हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 8 इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, लेकिन असली मालिक उस जजमेंट को नहीं पढ़ पाया। ये दुख की बात है, उस जजमेंट को पढ़िए। और जब ये थाने वाले, जब पुलिस वाले जब एफआईआर करते हैं तो उसके तहत भी हमारे सीआरपीसी और आईपीसी की धारा लगाते हैं, सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शन 5 में लिखा है कि आदिवासियों पर कोई भी सीआरपीसी आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। जब आप वो कागज दिखाकर पुलिस वालों से बात करेंगे, किसी पे एफआईआर नहीं होगी, तब आप मालिक कहलाओगे। मालिक केस को जगाना पड़ेगा, वो रॉयल्टी लानी पड़ेगी, क्योंकि एक मालिक जब रोड पे निकलता है ना तो उसका एक अलग ही रुतबा होता है। वो रुतबा अपने अंदर जगाइए, और जिस दिन रुतबा जगा दिया उस दिन आदिवासी समाज संगठित भी हो जाएगा, और राजनीति तो बाद में होती रहेगी, चलती रहेगी और एक दिन खत्म भी हो जाएगी, लेकिन समाज को जिंदा रखना जरूरी है। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि आजादी के समय भारत के आदिवासियों के पास इस देश की 67% जमीन थी, लेकिन आज 3% रह गई है, बाकी की जमीन आसमान निकल गया, कहां गई ये पता नहीं। आज उसी 3% जमीन पर आदिवासी समाज जिंदा है, लेकिन उस 3% जमीन को भी छीनने का काम किया जा रहा है। आपके मेघनगर में, आपके रतलाम में कॉरिडोर के नाम पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पे आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही, उस जमीन को बचाने की जरूरत है, वरना आने वाले समय में इस एरिया की भी जमीन छीन ली जाएगी। हम लोग 11 बजे यहाँ पहुंचे तो हम लोग बालेश्वर धाम गए, वहां पर उनके अनुयायी मिले, उनका कहना था कि जो मेघनगर की जो फैक्ट्री है वो यहाँ लगने वाली थी, तो बालेश्वर मामा ने कहा था कि यहाँ की वायु, यहाँ का पानी दूषित हो जाएगा, इसलिए उस फैक्ट्री को यहाँ नहीं लगने देना चाहिए, यहाँ के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि जो आदिवासियों के लिए और आदिवासी जमीन को बचाने के लिए लड़े बालेश्वर मामा जिनको कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है यहाँ पर, क्योंकि जब वहां पर बात किया तो पता चला कि यहाँ से लेकर 25 किलोमीटर तक मूर्तियां बनी है, और आदिवासी क्षेत्र में बालेश्वर मामा की मूर्तियां बनना बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इसी तरह आज टंटिया भील की जो गाथा है, यह भी आपका इतिहास है, और यह इतिहास हमेशा बनना चाहिए, और इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सामूहिक एकता दें, हम लोग भील प्रदेश को भी साकार करेंगे, हम इस भारत देश के मालिकियत को भी साकार करेंगे एक दिन, आप लोग आप सब मिलकर। बस इतना ही कहूंगा, और अंत में इतना कहना चाहता हूं, जिद पर आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, जिद पर आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का। अभी तुमने तेवर नहीं देखे राणा पूंजा भील के दीवानों के। बस इतना ही कहूंगा, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है।
आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय मिल प्रदेश। धन्यवाद।